आज तो मौसम कितना सुहाना है, धूप भी बड़ी प्यारी प्यारी है। दिल खुश कर दिया इस धूप ने, नहीं तो बादलों ने तो परेशान कर दिया था और ठंड भी होने लगी थी। आज तो मन कर रहा है यहीं सो जाऊं, यहीं खटिया पे लेट जाऊं, पूरा दिन धूप सेकूं। भीतर तो जाने का मन ही नहीं करता, अंदर जाऊं तो ठंड लगती है। आहा क्या मौसम है, मजा आ गया। वाओ हमारा नेता कैसा हो, कजूतर भैया जैसा हो। इस खुशनुमा मौसम को बिगाड़ने कौन लाओगा गए गांव में, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? एक दो तीन चार, कजूतर भैया की जय जयकार। अब क्या ड्रामा है इनका, किसकी जय जयकार कर रहे हैं? कौन है ये कजूतर, पूरा गांव का माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। एक दो तीन चार, गजोतर भैया की जय जयकार। अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्या ड्रामा है तुम्हारा, क्या जय जयकार लगा रहे हो? अरे बनवारी भाई, तुम नहीं जानते हो, हमारे गजोतर भैया विधायक जी आए हैं आज हमारे गांव में। हाँ विधायक भैया की जय जयकार लगा रहे हैं। अरे कौन विधायक, कभी देखे ना ही हम इन्हें गांव में। अरे बनवारी भैया अब देख लो ना, आ गए हैं ना गांव में, कोई काम करवाना है तो करवा लो इनसे। आपकी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कजोदर भैया, तो आप इनको ही वोट दीजिए, ये सारी गांव की रोडों को सही कर देंगे, स्कूल बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे और रोजगार दिलाएंगे। क्या कहते हो, रोजगार देंगे, शौचालय बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पिछले 5 साल तक कहां थे ये, अब फिर से विधायक बनाओगे इनको तुम? बड़ी शर्म की बात है, देख रहे हो गांव की रोडें, देख रहे हो गांव में स्कूल की हालत, और उसके बाद भी कहते हो इनको विधायक बनाएंगे। पिछले चुनाव में क्या कहा था इन्होंने, कुछ याद है तुम्हें? कभी देखा तुमने इनको गांव में? आज से 4 साल पहले कभी आए ये गांव में? अरे बनवारी भैया क्यों नाराज होते हो, सब सही हो जाएगा, गांव की सड़कें भी पक्की होंगी, शौचालय भी बनेंगे और हर घर से एक को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार की बात करते हो, जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार तो बचा नहीं पा रहे हो, और नए रोजगार की बात करते हो। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो बनवारी, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो गांव का? मैं बिगाड़ रहा हूँ माहौल? अपने विधायक जी से पूछो, माहौल तो इन्होंने खराब किया है पूरे देश का, पूरे राज्य का, अब हमारे गांव में भी आने लगे हैं माहौल खराब करने। अरे बनवारी भैया क्या समस्या है, बताओ तो सही, हम उसका निराकरण करेंगे। क्या निराकरण करोगे तुम, उन बिचारों की सुध ली तुमने, जो बिचारे 98 दिन से धरने पे बैठे हैं, कभी उनका मामला देखा, कभी उनके पास गए, कभी उनका रोजगार के बारे में बात की तुमने? अरे बनवारी भैया पहेलियां क्यों बुझाते हो, बताओ तो सही, क्या बात कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, बताओ जरा हम भी तो सुने। हाँ हाँ बनवारी बताओ तो सही, विधायक जी सारे मामलों को निपटाएंगे आज, आज इसीलिए वो घर से निकले हैं, इस बार कोई भी मामला ना बचे। क्या निपटाओगे मामला तुम? अरे भैया बताओ तो सही, समस्या कहाँ पे है? अरे तुम नहीं जानते हो,
एचपी मजदूर संघ वाले 98 दिन से लेबर कमिश्नर के ऑफिस में बैठे हैं धरने पर। कभी तुमने उनकी सुध ली? कभी ये जानना चाहा वो बिचारों की रोजी रोटी कैसे चल रही होगी? इस बारे में तुमने जाना? अरे कौन मजदूर संघ वाले कह रहे हो तुम? एक विधायक होके तुम्हें ये पता नहीं वो मजदूर संघ वाले कौन हैं और उस इलाके में तुम रहते हो तुम्हें उनके बारे में पता नहीं? अरे बनवारी बिटुआ, कौन सी महफिल लगाई है तूने आज? क्या बात है? अरे काका तुम भी आओ आओ, तुम भी सुनो इनकी बातें। अरे काका जी प्रणाम, स्वास्थ्य ठीक है आपका? अरे काहे का स्वास्थ्य, आज आ रही है याद तुम्हें हमारी? आज तक कहाँ थे? अरे काका, विधायक जी के पास और भी काम है, और भी जगह जाना होता है, और भी काम निपटाने होते हैं। आज हमारे गांव में आए हैं, आज हमारे गांव के ही काम निपटा के जाएंगे। ये बताओ क्या समस्या है? हाँ काका, क्या समस्या है बताओ? पेंशन आ रही है नहीं आ रही है तुम्हारी? नहीं तो लगवा देता हूँ बताओ। अरे तेरी भैंस को डंडा मारूं? आज पूछने वाला बनता है पेंशन आ रही है नहीं आ रही है, आज तक कहाँ था? अरे काका ऐसे क्यों बोलते हो विधायक जी से? सही कहा काका आपने, भगाओ सालों को यहाँ से, क्यों आए आज हमारे गांव में, आज तक कहाँ थे ये? मैंने बोला इनको, आज तक तुमने एचपी मजदूर संघ वालों की सुध ली? इन्हें पता ही नहीं है कि कौन है ये एचपी मजदूर संघ वाले और बने फिरते हैं विधायक। अरे इनको कहाँ से पता होगा, जब ये कुर्सियां तोड़ने से फुर्सत होगी इनको, कभी ऑफिस से बाहर निकलेंगे तभी तो, कभी जनता के सामने जाएंगे और बात करेंगे रोजगार की। उन बिचारों को देखा, आज 100 दिन पूरे होने वाले हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं, और फिर भी यहाँ आके कहते हो रोजगार देंगे। उन बिचारों का तो रोजगार अभी तक तुम बचा नहीं पाए और कहो कि हम नए रोजगार देंगे। अरे काका इस बार विधायक बना के तो देखो दोबारा, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने की गारंटी मैं देता हूँ। जिन लोगों की पेंशन नहीं लगी है उनकी पेंशन भी मैं लगवाऊंगा, एक बार मौका तो दे दो मुझे। और तेरी माँ को खिलाओ खरबूजा जाड़ों में, बात करता है रोजगार की। बनवारी बिटुआ भगाओ इनको यहाँ से और बोल दो रोजगार नहीं तो वोट नहीं। कभी सोचा इन्होंने महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आटा तेल के दाम कहाँ पहुंच गए है? इनको तो मक्खन मलाई खाने से फुर्सत नहीं है, हम गरीब बिचारों को देखने की सुध है इन्हें? आ जाएंगे साले वोट मांगने। अरे काका क्यों नाराज होते हो, इस बार मौका फिर से देके तो देखो, गांव में चमत्कार कर देंगे। अब यहां से भागते हो नहीं भागते हो, मेरा पारा गरम हो रहा है, और पारा गरम हो गया तो समझ लेना चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह पाओगे, निकल लो हमारे घर से। दया मैं तो गया। अरे सिक्का रुक मैं भी आया। अरे कहाँ जाते हो मुझे अकेला छोड़ के, भागो तेरी जात का। सही किया काका तुमने, इन लोगों को भगा दिया, अब गांव में मत आने देना इन लोगों को। दोस्तों तुम भी ऐसी करो, जैसे काका ने भगाया इनको वैसी तुम भी भगाओ, यदि काम नहीं तो वोट नहीं, बस यही नारा होना चाहिए।